हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले, आज का हमारा टॉपिक है भू संचलन, मतलब अर्थ मूवमेंट्स। क्या है भू संचलन? तो ये जो भू संचलन होता है, मतलब अर्थ मूवमेंट्स, ये क्या होता है? तो पृथ्वी में जो जिस भी तरह की गति होती है, ठीक है, तो गति मतलब ये नहीं कि पृथ्वी का घूर्णन, वो गति नहीं, मतलब पृथ्वी में जो भी हलचलें हो रही है, ठीक है, उन हलचलों के कारण जिस भी आकृति का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं भू संचलन। ठीक है, मतलब भूमि का किस तरह से संचलन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें भू संचलन में हम पढ़ने वाले हैं वलन और भ्रंश के प्रकार। तो देखिए, आज हम वलन पढ़ेंगे, हम भ्रंश को कल पढ़ेंगे। आज हम वलन के बारे में पढ़ेंगे और वलन के प्रकार पढ़ेंगे, कल हम भ्रंश के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, भ्रंश क्या है और भ्रंश के प्रकार कितने हैं उसे हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए, भू संचलन में दो प्रकार के बल जो होते हैं वो बेसिकली कार्य करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जो बल होते हैं वो ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, या आप कह सकते हैं दो प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा उत्तरदायी होती है। पहला तो होता है अंतर्जात शक्ति या अंतर्जात बल, और दूसरा होता है बहिर्जात शक्ति या बहिर्जात बल। तो जो अंतर्जात शक्ति या अंतर्जात बल जो होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। और पृथ्वी के बाहरी सतह में जो भी बल कार्य कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल के भी प्रकार है और बहिर्जात बल के भी प्रकार है। तो अंतर्जात बल वो होता है, एक होता है पटल विरूपणी, दूसरा होता है आकस्मिक बल। ठीक है, पहला क्या होता है? पटल विरूपणी। तो जो पटल विरूपणी बल जो होता है वो धीरे धीरे कार्य करता है। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत सालों के बाद, हमें हज़ारों सालों के बाद इसका रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलता है पटल विरूपणी का। जबकि आकस्मिक बल जो होता है वो तुरंत कार्य करता है, जैसे कि ज्वालामुखी होता है और भूकंप होता है। ठीक है, तो ये आकस्मिक शक्ति है। जैसे ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसका जो परिणाम होता है, जो रिज़ल्ट होता है, हमें तुरंत देखने के लिए मिलता है। अगर कहीं पे भूकंप आया तो भूकंप का रिज़ल्ट हमें तुरंत देखने के लिए मिलता है कि उससे किस प्रकार की आकृतियाँ बन गई या क्या घटना हुई है। तो ये जो होती है आकस्मिक शक्तियाँ होती है, ये अचानक से होती है। पटल विरूपणी जो होती है वो बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। ठीक है, पटल विरूपणी किससे कार्य करती है? बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। अब पटल विरूपणी के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है महादेश जनक और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। एक होता है क्या? महादेश जनक, और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। तो महादेश जनक में क्या होता है बेसिकली कि महाद्वीपों का संचलन होता है। ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, कहीं पे उन्मज्जन हो जाता है और कहीं पे निमज्जन हो जाता है। महाद्वीपों में कहीं पे उमज्जन हो जाता है और कहीं पे निमज्जन, मतलब कहीं पे जो महाद्वीप होते हैं कहीं पे ऊपर उठ जाते हैं और कहीं नीचे धस जाते हैं। ठीक है, और पर्वत निर्माणकारी में क्या होता है? एक होता है तनाव, दूसरा होता है संपीड़न। ठीक है, एक होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि तनाव पैदा होती है, एक टेंशन क्रिएट होता है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि संपीड़न कार्य कर रहा होता है, संपीड़न होता है। ठीक है, तो तनाव में क्या होता है कि तनाव का रिज़ल्ट ये आता है कि चट्टानों में विभंग हो जाता है या चटकती हैं वो चट्टानें, जिसे विभंग या टूटना कहते हैं। और दूसरा होता है कि उनमें भ्रंश पड़ जाते हैं। ठीक है, भ्रंश पड़ने के कारण क्या होता है कि भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, संपीड़न में क्या होता है? एक तो संवलन होता है और दूसरा वलन होता है। ठीक है, संवलन और वलन क्या होता है इसे अभी हम अभी इसे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बहिर्जात बल क्या होते हैं। तो बहिर्जात बल में क्या आता है? अनाच्छादन आता है। बहिर्जात बल में क्या आता है? अनाच्छादन आता है। अनाच्छादन दो प्रकार से होता है, पहला तो होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपरदन। और अपरदन के भी बहुत से प्रकार है। अपरदन एक होता है प्रवाहित जल के द्वारा अपरदन होता है, हिमानी के द्वारा, पवनों के द्वारा, और यहाँ सिर्फ लहरें लिखा हुआ है, समुद्री लहरों के द्वारा होता है, भूमिगत जल के द्वारा होता है। ठीक है, हिमनदों के द्वारा अपरदन होता है। तो ये सब तो चीज़ें हो गई कि किस प्रकार से होता है।
ठीक है, तो दो प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही होती है, अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अंतर्जात शक्तियां क्या होती है। तो ये दीर्घकालिक यानी कि ये पटल विरूपणी होती है, जो बहुत लंबे समय में और बहुत धीमी गति से कार्य कर रही होती है, और इनका जो होता है गति से भूतल पर परिवर्तन होता है। मुख्य घटनाएं इनमें क्या है पटल विरूपणी की, मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं? तो महाद्वीपीय व पर्वत निर्माणकारी शक्तियां कार्य कर रही होती, उत्थान होता है, निमज्जन हो जाता है, लंबवत मोड़ पड़ जाते हैं, भ्रंश होता है, फलन होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये अंतर्जात शक्तियां हैं और पटल विरूपणी है। आकस्मिक शक्ति क्या होता है कि भूतल पर अचानक तेजी से जो परिवर्तन आ जाता है, जो प्रलय कह सकते हैं, प्रलय, तो उसे कहते हैं आकस्मिक शक्ति। इसमें आता है क्या, ज्वालामुखी और भूकंप। तो ये जो भू दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्ति जो होती है ये क्या होती है, तो पटल विरूपण से अभिप्राय उन समस्त प्रक्रमों से है जिनका भूपटल के उत्थान अवतलन, उत्थान भूपटल के अवथान उत्तलन, भूपटल के अवथान उत्तलन या किसी भाग के संबंध से में दूसरे भाग के विस्थापन और टूटने मुड़ने तथा संवलित होने में योग होता है। तो पटल विरूपणी कहने का मतलब है कि जो धीरे धीरे कार्य कर रही होती है, जिसका रिजल्ट बहुत धीरे से हमें मिलता है, बहुत वर्षों के, हज़ारों वर्षों के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। पटल विरूपणी का जो पटल विरूपणकारी जो शक्तियाँ होती है, ये जो भी कार्य कर रही होती है, तो इनका जो रिजल्ट होता है ये हमें बहुत समय के बाद देखने को मिलता है। तो देखिए, ये क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपण शक्तियों को दो वर्गों में रखा गया है। एक होता है महादेश जनक, दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। ठीक है, एक क्या होता है महादेश जनक और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। तो महादेश जनक में होता है उमज्जन और निमज्जन। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी में होता है तनाव और संपीड़न। तो तनाव में क्या होता है विभंग या टूटना, भ्रंश पड़ती है, दरारें पड़ती है। ठीक है, ठीक है, और संपीड़न में क्या होता है कि वलय होता है और वलन होता है और संवलन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि महादेश जनक शक्तियाँ क्या होती है। तो महादेश जनक शक्ति जो है, तो ये महादेश जनक एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, तो ये जो एपिरोजेनेटिक फोर्सेस है, ये एपिरोजेनेटिक, ये ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द एपिरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है। ठीक है, एपिरोजेनेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द एपिरोस प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है। तो एपिरोस का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, महाद्वीप की उत्पत्ति। ठीक है, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब क्या कि महाद्वीपों की उत्पत्ति में जो बल कार्य कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं महादेशजनक शक्तियाँ। तो इनमें दिशा के आधार पर इनको दो वर्गों में इसको बांटा गया है। ठीक है, दिशा के आधार पर, तो पहला होता है उन्मज्जन जिसको बोलते हैं, और तो उन्मज्जन क्या होता है कि कोई भी महाद्वीप या उसका काफ़ी बड़ा भाग अपनी पहली सतह से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि कोई भी महाद्वीप है तो उसका पहला सतह इस तरह का था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जब आंतरिक शक्तियाँ कार्य करती गईं, ठीक है, बहुत समय बाद ये क्या हुआ कि अपनी सतह से थोड़ा ऊपर उठ गया, यही भाग अपनी सतह से थोड़ा इस तरह से ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं उन्मज्जन। ठीक है, या उन्मज्जन कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं उत्थान। उन्मज्जन में क्या होता है कि इसे कहते हैं हम उत्थान। जब कोई बहुत ही काफ़ी बड़ा भाग जब ऊपर उठ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्थान। अब निर्मगन क्या होता है, यानी कि अपलिफ्टमेंट, क्या होता है, अपलिफ्टमेंट। अब निर्मगन क्या होता है, यानी कि इमरजेंस। तो किसी भी महाद्वीप का तटीय भाग जब समुद्र तल से कोई भाग ऊपर उठता है तो उसे निर्मगन कहते हैं। ठीक है, निर्मगन किसे कहते हैं कि कोई भी महाद्वीप है जो पहले डूबा हुआ था। ठीक है, कोई भी महाद्वीप है जो पहले डूबा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ वो ऊपर उठ गया। तो जो वो ऊपर उठा, बाहर आ गया समुद्र तल से, अचानक हमें एक बाहर देखने के लिए मिला। हालांकि वो क्रिया जो है वो अचानक नहीं हुई, बहुत सालों में हुई, लेकिन वो जो बाहर निकला
तो उसे कहते हैं निर्मगन। क्या कहते हैं उसे? निर्मगन, इमरजेंसी। ठीक है, तो पहला तो हुआ कि कोई भी महाद्वीप है वो अपनी सतह से, जो पहले की सतह में था उससे ऊपर उठ गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं उत्थान। और दूसरा होता है निर्मगन। तो निर्मगन किसे कहते हैं? कि समुद्र तल में कोई भी जैसे महाद्वीप है वो नीचे धंसा हुआ था, तो नीचे जब डूबा हुआ था, जलमग्न हो गया था, तो समय के साथ वह क्या हो गया, वही महाद्वीप, वही जो तटीय भाग है वो ऊपर उठ गया और हमें द्वीप के रूप में दिखने लगा, बाहर दिखने लगा, तो उसे क्या कहते हैं? निर्मगन। अब महादेश जनक शक्तियों में दूसरा होता है निमज्जन। दूसरा क्या होता है? निमज्जन। तो निमज्जन क्या होता है कि कोई भी महाद्वीपीय भाग अपनी समीपी सतह के नीचे धंस जाते हैं, कोई भी महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब नीचे धंस जाता है तो उसे कहते हैं निमज्जन, इसे कहते हैं अवतलन, ठीक है, सबसिडेंस। और दूसरा होता है स्थलखंड, सागर तल से नीचे चला जाता है अर्थात जलमग्न हो जाता है, तो उसे निमज्जन कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई जलमग्न जब कोई तट हो जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि सबमर्ज हो गया है, सबमर्ज जब हो जाता है तो उसे कहते हैं जब कोई तटीय भाग समुद्र तल से नीचे चला जाता है, जलमग्न हो जाता है, तो उसे हम निमज्जन कहते हैं। जब कोई तटीय भाग अपनी स्थिति से जो जिस सतह में था उससे नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ क्या होती है। तो पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ जो होती है, तो ये होता है ऑरोजेनेटिक फोर्सेस। क्या होता है? ऑरोजेनेटिक फोर्सेस। तो ऑरोजेनेटिक जो है, इसमें ऑरोजेनेटिक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द ओरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी। क्या अर्थ होता है इसका? पर्वत निर्माणकारी। अब ये जो बल है ये दो रूपों से कार्य करती है, पहला तनाव और दूसरा संपीड़न, ठीक है। तो तनाव में क्या होती है? चटकनी होती है, भ्रंश होता है, दरार होता है। संपीड़न में क्या होता है? वलन होता है, संवलन होता है। तो संवलन यानी कि वार्पिंग, ये वार्पिंग क्या होता है? ये वार्पिंग कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है कि धरातल से विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, धरातल के जब बहुत बड़े क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है, विस्तृत क्षेत्र में लहर के समान ऊपर नीचे, जब बहुत बड़ा क्षेत्र लहर के समान जब ऊपर नीचे हो जाता है, और कभी कभी धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार का हो जाता है, ऊपर उठ जाता है गुंबद की तरह, इस तरह से ये गोल होकर ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं उत्संवलन, ठीक है। और जो कभी कभी क्या होता है कि धरातल के बहुत बड़े क्षेत्र में जब विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, विस्तृत क्षेत्र में लहर के आकार, लहर के समान आकृति बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? समवलन कहते हैं हम, जिसे वार्पिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे भू अपनति कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग रहता है उसे असमवलन कहते हैं या भू अभिनति कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वलन क्या होता है। तो वलन जो होता है कि चट्टानों में सुविकसित लहरदार मोड़ को वलन कहते हैं, सुविकसित लहरदार मोड़ को वलन कहते हैं। अब देखिए वलन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानते हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई दो पेपर ले लिए, ठीक है, उन दोनों को आपस में दोनों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने पर क्या होगा कि बीच में पेपर कुछ इस प्रकार से उठ जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से ये मुड़ा तो इसी मोड़ को हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं, ठीक है, इसी मोड़ को हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। तो धरातल में ये तो हो गया कि दो तरह से हम बल लगाए, तो धरातल में भी इसी तरह होता है कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आ रही होती है, ठीक है, दो प्लेटें आपस एक दूसरे के पास गति कर रही होती है, तो उस पश्चात क्या होता है कि जब दोनों टकराती है तो वलन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो फिंच के अनुसार देख रहे थे कि वलन क्या होता है, तो समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं, ये फिंच के अनुसार है।
अब हम वलन की संरचना देख लेते हैं। वलन जानने के लिए वलन की संरचना को जानना बहुत ज़रूरी है कि वलन की संरचना क्या है। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार से वलन पड़ा किसी क्षेत्र में, कि जब वलन पड़ा तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे अपनति कहते हैं और जो नीचे धसा हुआ भाग है उसे अभिनति कहते हैं। ठीक है, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे का जो मुड़ा हुआ भाग रहता है उसे अक्षीय तल कहते हैं। ये जिस तरफ से उठता है इसे वलन की भुजा कहते हैं। ठीक है, ये जिस तरफ से उठता है इसे, इसके साइड वाले को वलन की भुजा कहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे के एरिया को जहाँ पे से मुड़ा है, ठीक है, ये जो ढलान वाले एरिया को क्या कहते हैं, अक्षीय तल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देख लेते हैं वलन के प्रकार। तो पहला होता है सममित वलन या सुडौल वलन। तो इसमें क्या होता है कि दो कोने जो होती है साधारण प्रकार से वलन, जो साधारण प्रकार का जो वलन होता है उसको सममित वलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सममित का अर्थ ही प्रकट हो जाता है कि समानता। सममित से हमें क्या पता चलता है, समानता। इसका जब अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलता है, समानता। ठीक है, इसकी जो दो भुजाएं होती है, ठीक है, जैसे ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो दो भुजाएं होती है तो दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं असममित वलन। तो असममित वलन क्या होता है कि दोनों असममित वलन से हमें क्या पता चल रहा है, असमानता इससे हमें पता चल रहा है। तो ये जो होता है कि इसमें दोनों भुजाएं असमान होती है, तो एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है और दूसरी भुजा जो होती है वो छोटी होती है और उसका झुकाव भी अधिक होता है, कुछ इस प्रकार से कि एक भुजा तो मानते इस प्रकार से झुकी हुई है और दूसरी भुजा कुछ ज़्यादा ही झुक गई है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाता है असममित या बेडौल वलन। उसके बाद एक नत या एक दिग्नत वलन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे एक दिग्नत वलन भी कहते हैं। एक नत और एक दिग्नत वलन दोनों ही कहते हैं, मोनोक्लिनल फोल्ड्स। ठीक है, मोनोक्लिनल फोल्ड्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण और ढाल जो है वो दूसरी भुजा का झुकाव का समकोण बनाते हैं। ठीक है, एक भुजा जो है वो समकोण में होती इस तरह से और जो दूसरी भुजा का जो झुकाव होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एक दिग्नत या एक नत वलन। ठीक है, तो इसके निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ बताया जाए। इसमें क्या होता है, लंबवत संचलन, इसमें बताया जाता है कि लंबवत संचलन होता है। अब देखते हैं कि समनत वलन क्या होता है। तो समनत वलन में क्या होता है कि दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण जो संपीड़न के कारण, समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएँ समान रूप में झुकी जाती हैं इस प्रकार से। जैसे एक भुजा इस साइड झुकी, समनत वलन हम देख रहे हैं ना, तो एक भुजा अगर इस साइड झुकी है तो दूसरी भुजा की क्या होती है, इसी साइड में झुक जाती है। ठीक है, एक भुजा इस साइड में झुकी है और दूसरी भुजा भी इसी साइड में झुक जाती है, उसे क्या कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। अब होता है परिवलित या शयान वलन भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शयान वलन भी कहते हैं। इसे शयान वलन भी कहते हैं। तो जब क्षैतिज संचलन बहुत ज़्यादा तेज होता है और अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं जो है वो समानांतर क्षैतिज दिशा में हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, परिवलित वलन। नेक्स्ट आता है हमारा पंखा वलन।
या पंखाकार वलन भी इसे कहते हैं। तो जब बहुत बड़ा वलन होता है, ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा वलन, उसकी बहुत बड़ी अपनति और अभिनति बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे उसका जो अपनति होता है वो बहुत बड़ा बड़ा और अभिनति जो है होता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंखाकार वलन या पंखा वलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये पंखे की तरह, ये देख सकते कि पंखे की तरह ये दिखाई पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा खुला वलन। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी दो वलन की जो दो भुजाएं होती है कि उनके बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, मतलब कि ये जो होता है ये अधिक कोण बनाती हैं बीच में, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। अब आता है हमारा बंद वलन। तो बंद वलन किसे कहते हैं, ये बंद वलन क्या होता है कि जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून होता है, जब बहुत ज़्यादा संपीड़न पड़ता है, जब संपीड़न बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो वलन में क्या होता है कि न्यून कोण बन जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंद वलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिवलन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रतिवलन। तो प्रतिवलन क्या होता है कि अत्यधिक संपीड़न के वजह से क्या होता है कि वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है, तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। जैसे कि ये एक भुजा है, ठीक है, ये दूसरे पर क्या हुई, उलट गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। और दूसरा आता है, लास्ट आता है हमारा अवनमन वलन। तो ये जो अवनमन वलन होता है कि जब किसी वलन की जो अक्ष होता है, जो एक्सिस होता है, वो क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाती है, उसके साथ कोण बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन वलन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्रीवाखंड क्या होते हैं। तो ग्रीवाखंड या नापे, इसे क्या कहते हैं, हम नापे भी कहते हैं। तो तीव्र क्षैतिज संचलन, इसमें क्या होता है कि तीव्र क्षैतिज संचलन का परिचायक होता है ये। और परिवलन मोड़ों की दो भुजाएं जब समानांतर होती हैं और क्षैतिज होती है, जब समानांतर होती है और क्षैतिज होती हैं, जब संपीड़न बहुत ज़्यादा लगता है और परिवलन मोड़ का जो एक खंड होता है वो खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है, जब परिवलन होता है ये, जब जैसे कि ये हमने देखा था ये परिवलन हुआ, ठीक है, तो परिवलन मोड़ जो होता है वो खिसक कर दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। अब ये अपने स्थान से खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और तो उसे, इस क्रिया को व्युत्क्रम उत्क्रम कहते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रम कहते हैं। तो जिस तल के सहारे उत्क्रम होता है उसके उत्क्रम तल कहते हैं, और उत्क्रम के कारण ऊपर उठे हुए भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। ये ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है इसे बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं, ठीक है। जब संपीड़न बहुत ज्यादा हो जाता है तो वलन की जो भुजा है तो वो इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि वलन के अक्ष पर टूट जाती है। यहाँ क्या होता है कि ये वलन के अक्ष पर टूट जाती है, जब संपीड़न बहुत ज्यादा होता है, मोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह वलन की संरचना उल्टी हो जाती है। तो जो क्षैतिज संचलन होता है और संपीड़न के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा के स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है, इस तरह की संरचना में सामान्य साम्य नहीं होता है। एक वलन की भुजा उपयुक्त दशाओं में टूट कर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। जब कोई भी एक भुजा, किसी भी वलन की एक भुजा, जैसे ये भुजा है, ठीक है, तो ये टूट कर दूसरे स्थान पर चली गई तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीवाखंड कहते हैं। तो ये तो जो हमारा टॉपिक था ये आज हमारा हो गया कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे भ्रंश, विभंग और भ्रंश कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर।